Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बच्चों से भी ना समझ पार्वती बनना चाहती है अहिल्या देवी जैसी रानी। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। पार्वती का वो हाल है दोस्तों कि मुझे चांस चाहिए, कैसे भी करके लाके दो, यहाँ से हिलना भी नहीं है, किसी रॉकेट में नहीं चढ़ना है, बस मुझे चांद लाके दो, करना कुछ नहीं है मुझे, मगर मुझे चांद चाहिए। तो ऐसे लोगों को तो फिर परछाई ही दिखाई जा सकती है, ये है चांद भाई, देख लो इसी को आप टच कर लो। तो पार्वती ने जो किया है दोस्तों, ये वो बच्चों से भी कह सकते हैं कि ना समझी वाला काम है। बच्चों से कैसे ना समझी वाला काम है वो भी आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगी, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आपको याद होगा दोस्तों कि जब अहिल्या देवी नई नई शादी करके आई थी, 9 साल की अहिल्या देवी, तब वो ये सब यातनाएं नहीं सहन कर पाई थी जो गौतमा के साथ उनका इंटरेक्शन होता था, जो भी गौतमा उनको सिखाती थी, सजा देती थी, प्यार करती थी, जो भी था, मगर वो लोनली हो गई थी एकदम से, क्योंकि खंडेराव भी शरारते करते थे और वो अकेली रह गई थी, सिर्फ हरकू बाई साहिब उनका हालचाल पूछती थी। उन्हीं दिनों में 9 साल की अहिल्या देवी ने वाड़े से भागने का डिसीजन ले लिया था और वो भाग भी गई थी, और बकायदा वाड़े से भाग गई थी क्योंकि उनके मन में या दिमाग में कुछ ऐसा षड्यंत्र नहीं रहते हैं। वो तंग आ गई 9 साल की बच्ची और वो भाग गई। पार्वती एक अडल्ट महिला सिर्फ अपने खंडेराव को पाने के लिए सारे लोगों को परेशान कर रही है और जाके एक स्टोर रूम में बैठ गई है जहां पे अहिल्या देवी और खंडेराव ने अपना बचपन बिताया है। आपको याद होगा कैसे बचपन में वो ऐसी खेले खेलते थे या शरारते करते थे कि अहिल्या को बांध दिया, कभी अहिल्या ने खंडेराव को बांध दिया। ये बचपन की बातें हैं दोस्तों, जहां पे बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमारे इस हरकत का पूरे वाड़े में क्या असर होगा। मगर ये तो पार्वती अडल्ट है जिसको कुछ नहीं करना है, उसको अहिल्या देवी की तारीफ नहीं सुनी जा रही है, उसको ये नहीं देखा जा रहा है कि खंडेराव अहिल्या देवी के साथ क्यों जा रहे हैं, बिना ये सोचे समझे कि अहिल्या देवी की अवस्था क्या है इस समय। तो दोस्तों रानी तो वो बन गई है, मगर अहिल्या देवी जैसी रानी कैसे बनेगी? करतूतें भी तो करनी पड़ेंगी ना, कुछ काम भी तो करने पड़ेंगे, करतूतें तो है नहीं वैसी करने वाली, तो कैसे बनेगी वो रानी? सिर्फ यही सब करके, छुपके, भाग के, ये सब करके? इतनी समझ तो बच्चों में भी होती है, मैं ये कहूंगी बच्चों को भी पता होता है कि कहां पे अपने आप को रोकना है। बच्चे तो बल्कि दिल के ज्यादा साफ होते हैं, मगर ये तो दिल में कड़वाहट ही भर के बैठी हुई है। उसको तारीफें बहुत सारी चाहिए, उसको खंडेराव का प्यार बहुत सारा चाहिए, मगर उसको खुद से कुछ करना ही नहीं है। ये पैम्पर्ड बच्चों की एग्जाम्पल है पार्वती, जिसको बचपन से उसके पेरेंट्स ने ऐसे पाला है कि उसको फूलों की सेज ही मिली है, इसलिए वो स्ट्रगल ही नहीं उसने की है जो अहिल्या देवी ने की है। वो चीजें जो उन्होंने झेली हैं अहिल्या देवी ने, जिसने आज उनको इतना काबिल बनाया है, इस तरह से आगे लेके आए हैं अपने आप को अहिल्या देवी कि सब लोग उनके नाम की माला जपते हैं। और पार्वती चाहती है कि मुझे भी खंडेराव की रानी की तरह वैसी ही उपाधि मिले, मगर मुझे करना नहीं है, या मेरा दिमाग ही नहीं है, है भी नहीं उनका दिमाग। तो ये जो चीजें हैं दोस्तों, ये बच्चों से भी ना समझी वाली बात जो पार्वती ने की है, अगर बाद में पता चलेगा सबको, क्योंकि जितने लोग लगे पड़े हैं पूरी की पूरी जो है वाड़ा हिला हुआ है पार्वती को ढूंढने के लिए, कुछ लोग कुछ कहानियां बना रहे हैं, जैसे हरकू बाई साहिब ने कहा कुछ कुछ कह रहे हैं। तो पार्वती का ये कदम मिला पाएगा खंडेराव से उसे? मुझे नहीं लगता। खंडेराव उससे जरूर करेंगे बातचीत, करेंगे उसको जरूर समझाएंगे, मगर जहां पे दिल की बात होती है ना, वहां पे जबरदस्ती तो हो ही नहीं सकती है, वो भी इस तरह की। ये इमोशनल ब्लैकमेल वाली जबरदस्ती जो पार्वती कर रही है वो गलत है। जो पार्वती ने कहा वाकई में वो गुड फॉर नथिंग है, जो उसने कहा, अपना करैक्टर उसने खुद ही बयान किया, बिल्कुल सही बयान किया। तो मुझे तो ये लगता है दोस्तों कि ये सब जो पार्वती का करना है, एकदम ना समझी का सबसे बड़ा नमूना उन्होंने पेश कर दिया है। इस कदम से तो अब जो थोड़ा बहुत हम सोचते थे कि रानी बनने के थोड़े गुण हैं पार्वती में, वो भी खत्म हो गए। मेरी तरफ से तो यही है, बाकी आपकी इच्छा है, जो भी आप पार्वती की छोली में डालना चाहें कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। टिल देन कीप वॉचिंग हंगरी स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.